कुछ हमारे मोहल्ले के सदस्य भी आए इसके इधर उधर आपस की बताइए। फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इस चप्पल को गौर से देख लो एक बार, है ना, देख लिया आपने एकदम अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये चप्पल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल रात को इस चप्पल को मेरे भाई ने कादे में गिरा दी और मेरे भाई ने कम से कम 10 से 20 मिनट तक उस कादे में ढूंढता रहा लेकिन वो चप्पल उसे मिली नहीं। तो हम सुबह सुबह जा रहे है उस चप्पल को ढूंढने के लिए और मैं आपको जब वो कादा दिखाऊंगा ना तो आप खुद कहोगे यार इस कादे में तो पक्का नहीं मिलेगी। और इसने कम से कम उस कादे में 20 से 25 मिनट बिताया है और कैसे किस तरीके से बिताया, गंदे तरीके, मेरे को तो देख के सिर्फ हंसी आ रही थी। ये नाइट वाली क्लिप मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये देखना, नाइट वाली क्लिप मैं आपको आगे बता दूंगा थोड़ी बहुत। तो देख लो ये है हमारे कॉलोनी का सारा कादा होता है ना 5-10 घर का जो वहाँ पे, ये देखो मेरे भ्राता श्री कादे। कल रात को तो पूरा खेल के गया था यहाँ पे लेकिन सही रहा। ओए रुक 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 उछल जाओ, दबगी अंदर दबगी, हाथों निकालनी पड़ी। देख लो हमारे कुछ हमारे मोहल्ले के सदस्य भी आए इसके इधर उधर सहारा लगाने के लिए। कल तो ये पूरे में ना कादे में खेल रहा था और आज देखो ये चप्पल आ गई, चप्पल आ गई, चप्पल आ गई। धोला धोला ओए ले चल ले चल, मैं बाहर धो दे। देखा नहीं, एक तो बात तो रखे हो, देख लो कॉलोनी के आंटी जी बाहर आ गए इसे देखने के लिए कि ये क्या कर रहा है। इतनी सोगली हरकतें करेगा तो आएंगे लोग बाहर। देखो देखो कैसे भग रहा है। अरे मत कर अन्नु नी, देख लिया हरकतें ऐसी। एक कल रात को तो इतना खेल रहा था ना उस कादे में, इसको मैंने कहा सुबह देख लेना इजीली मिल जाएगी। अभी सुबह आया तो एकदम अच्छे से मिल गए। ओए 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 ओए, ओए। सुबह सुबह की बात है, एक चटीड़ में घूम जाएगा क्या, मतलब मान जाए यार चीनू। मुझे नहीं पता था कि यार सुबह इतनी जल्दी मिल जाएगी लेकिन कल तो 20 से 25 मिनट उस कादे में खेल रहा था। ये क्लिप देखो, एक मिनट के दे रहा हूँ ज्यादा नहीं, इस क्लिप को देखो एक बार। कादे में हाथ डाल भैया जी की चप्पल। स्टॉल मेरे को दे दे भाई, स्टॉल मेरे को दे दे। अरे राम राम। कभी कभी कादे से भी खेलना पड़ता है, मैंने सुना था। वाह यार भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे यार सीधे यार। ये धक्का मेरे को दे रहा था यहाँ से और खुद गिरा और चप्पल क्या मालूम कहाँ डाल दी इसने। एक काम कर पानी बाहर काट दे। मेरे को तो बहुत खतरनाक हंसी आ रही है। हाथ गाल हाथ है। लोग मुते अंगा करे जो सब है। अंगा जी को गुनाह बाकी बर्तन धोवे टॉयलेट करे नहावे। आपस की आपस की टूटे। चप्पल बस गई। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि माचा कैसे टाइट करते हैं? अगर आपने कभी नहीं देखा कि माचे को कैसे टाइट करते हैं, अगर आपके घर पे जो पूरा ढीला हो चुका है तो आज मेरे भाई बताएंगे कि माचे को टाइट कैसे करते हैं। तो देख लो, चीनू भाई बताएगा। चीनू बताइए। हाँ बताइए, आ गया। देखो ये पूरा यहाँ तक भाई ने टाइट कर दिया है और वहां से शुरू होना है और खींचते जाना, बस इस तरीके से खींचना है। देख लो मनोज भाई खींच रहे ना, बस ऐसे खींचते खींचते टाइट हो जाएगा कि बस हो गया। दो साइड में बैठना है, एक राइट साइड में बैठना है और एक लेफ्ट साइड में बैठना है और खींचते रहना इधर उधर खींचोगे तो एंड पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप बांध देना ताकि ये टाइट हो जाए। तो ये सारे सदस्य आ चुके हैं जिनके लिए ये घर बनाया था हमने। आओ आओ मोती, एक बार आओ आओ आओ, घर दिखो घर। अंदर सुन भग गए भग गए। ओए घर पसंद नहीं आया भाई इनको, तो ऐसा घर बना के दो, ऐसा घर बना के दो यहाँ पर, इनको ये वाला घर पसंद नहीं आया। फ्रेंड्स ये जो मैं कल बम्बू लेके आया था 15 फुट का, तो देख लो ये झंडा लगा दिया है मैंने बजरंग बली का, जय श्री राम। तो इस झंडे को यहाँ पे लगाएंगे। हमारे घर में टोटल छत पे 2 झंडे लगा दिए। ओ भाई 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 गयो गयो गयो
ले रस्सी 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 हे ये लेना। ओए पाँव पे लग गई यार, इतने बड़े बड़े डंपल सिर्फ बना कर रख दिए, एक्सरसाइज कोई नहीं लगा था। तो फाइनली ये झंडा हमने यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हो। बोलो जय बजरंगबली की, जय श्री राम। देखो कम से कम 15 फीट का है और इसको अब अच्छे से बांध देते हैं। और हमने डिसाइड किया कि वो झंडा हम हटाएंगे नहीं, मैंने सोचा कि वो पहले हटाएंगे। ये हमारे घर की बेस्ट लोकेशन है जहाँ से हमारा झंडा सबको दिखता है, आते जाते सब लोगों को दिखता है, इसलिए हमने ये झंडा यहाँ पे लगाया था। मैंने सोचा कि ये वाला झंडा भी यहाँ पे लगाएंगे, बट ये वाला झंडा इधर लगाएंगे और वो वाला, ताकि घर में दो झंडे हो जाए। देख सकते हो आप, बहुत ही कम से कम 15 फीट का है ये डंडा। जब मैं कल लेने गया था तो 30 फीट का था, तो हमने इसको कटवाया और 15 फीट का करवाया, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाए तो ऐसे जाता डंडा, ऐसे डंडा ऐसे चले जाए क्या मालूम, और किसी के ऊपर गिर जाए जब प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने 15 फीट का करवाया। ये डंडा भी 300 रुपए का आया है, 15 फीट का भी, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। ये बम्बू है देख सकते हो, फाइनली लगा दिया हमने झंडा।